العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عزيز طلبي الكرام. هم سورة احزاب. के इब्तई आयतों के तर्जमे से गुजर रहे हैं आज इनशा मज़ीद आयतों का तर्जमा करेंगे लेकिन उससे पहले आयतों से मुतल चंद बातें आपके सामने पेश करने जा रहे हैं देखिए अहसाब ये हिज़ब की जमा है एसाब हजब की जमा है और हजब के माने आते हैं पार्टी के और ताकतवर जमात के ऐसी जमात जिसमें यकसा अगराज और मकाशद के लोग शामिल हों ऐसी जमात जिसमें यकसा अगराज़ व मक़द के लोग जमा हों और गजव अहज़ाब में चूक मख्तलफ़ कबाइल के लोग एक साथ या यासाँ जमा हो गए थे इसलिए उसको अहज़ाब कहा जाता है जिसमें क्रैश गतफ़ान और कनाना और तिहामा में आबाद दूसरे हलीफ़ कबाइल भी इसमें शरीक थे इसलिए इस गजवे को ग़ज़वे अहज़ाब कहा जाता है शायद अब आपके समझ में आ गया होगा कि इस सूरत को सूर अहज़ाब क्यों कहा जाता है इसी तरह से इसका दूसरा नाम खंदक भी है आप चीज़ एक है और नाम दो हैं चीज़ एक है नाम दो हैं अहज से मुतालिक तो आपने समझ लिया कि इस ग़ज़वे में यानी गजए एहसाब में चूँकि गितफफ़ान कनाना और तिहामा में आबाद दूसरे कबाइल भी शरीक थे तो गए कि मुख्तलिफ पार्टियाँ और जमातें एक साथ जमा हो गई थी इसलिए इसको अहज़ाब कहा जाता है ये तो रही बात और दूसरी बात ये है कि मैदान जंग में मैदान जंग में दुश्मन के हमले से हिफाजत के लिए दुश्मन के हमले से हिफाजत के लिए खोदा हुआ गहरा और लंबा घड़ा यानि खड्डा खोदा हुआ गहरा और घड़ा उसको खंदक कहते हैं अब चूँकि इस जंग में जबल सलाह के पास जैसे सिलाबे लोग कहते हैं जबल सलाह के पास दुश्मन का दबाव रोकने के लिए दुश्मन का दबाव रोकने के लिए लंबा गढ़ा खोदा गया था इसलिए इसको गजवे खंदक भी कहते हैं इसलिए इसको गज़व़े खंदक भी कहते हैं तो देखिए अहसाब और खंदक ये दोनों के वजह तस्मी आपको मालूम हो गई अब इन आयतों के जेल में मुसलसल कुछ वाकयात हैं हकाइक़ हैं और कुछ रिवायात हैं जाहिर सी बात है कि हम तमाम रिवायात पर कलाम नहीं कर सकते एक मख्तसर वक्त में और न तमाम वाक़ हम आपको मुफसल तौर पर बतला सकते हैं अलबत् उन वाक़ की तरफ कदर इशारा करते हुए हम आपको आयात की तरफ ले चलेंगे सबसे पहली बात ये समझो बच्चों कि जब अब सफियान और उसके रफ़ाए ग जब अबू सफियान और उसके रफ़ार उहद से वापस होने लगे तो अबू सफियान ने कहा था कि आइंदा साल बद्र में, आइंदा साल बद्र में फिर हम लड़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिलवाया या जवाब भिजवाया कि ठीक है हम तैयार हैं और हमारे और तुम्हारे दरमियान ये मामला तय रहा कि हम आइंदा साल लड़ेंगे चुनाव से अगले साल नबी पाक सल्लल्लाहु वसल्लम ने जंग की तैयारी शुरू की और यहाँ पर हरत मौलाना मुफ्ती साहब पालनपुरी और दीगर मुफसरीन ने शाबान का महीना सन चार हिजरी लिखा है कि महीना शाबान का था और सन चार हिजरी में आप वसल्लम ने तयशुदा जंग के लिए तयशुदा जंग के लिए बद्र का रुख किया आप वसल्लम के साथ डेढ़ हजार फौज थी और दस घोड़े थे पैगम्बर अलैहिस्सलाम मकाम बद्र पहुंच गए और आपने पहुँच कर का इंतजार किया वहाँ पर आप खैमा जन हो गए ये रही बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मुसलमानों की उधर दूसरी तरफ अब भी पचास हज़ार समेत सचास हज़ार समेत दो हज़ार मुशरिकीन की जमीयत लेकर रवाना हुआ और मक्का से एक मरहले पर वादिय मर्र जहरान वादिय मर्र जहरान पहुँच कर मिजन्ना मिजन्ना नामी चश्मे पर ख़ैमा जन हो गया मिजन्ना नामी चश्मे पर ख़ैमा जन हो गया मकाम मर्र जहरान पर मगर अबूसुफियान बोझल और बद्दिल निक था अबूसुफियान बोझल और बहुत बद्दिल हो गया था और पता नहीं कैसे खौफ ज़्यादा हो गया मकाम मरुजहरान जहरान पहुँच कर उसकी हिम्मत जवाब दे गई उसने अपने साथियों से कहा कि देखो जंग उस वक्त तो मौजू होती है जंग उस वक्त तो मौजू होती है जब शादाबी और हरियाली हो जब शादाबी और हरियाली हो जानवर चारा चर सके और तुम दूध पी सको जानवर चारा चर सके और तुम दूध पी सको और इस वक्त मामला खुश्क साली का है लिहाजा मैं वापस जा रहा हूँ सो तुम भी वापस चलो मैं वापस जा रहा हूँ तो तुम भी वापस चलो अब सुफियान के इस ऐलान की किसी ने मुखालफत नहीं की गोया के सबके दिल में भी यही था कि हम वापस चले और इधर मुसलमानों ने बद्र में आठ दिन तक आठ दिन तक दुश्मन का इंतजार किया सामाने तजारत बेच कर नफा हासिल किया और फिर इस शान से मदीना वापस आए के दिलों पर उनकी मुसलमानों की धाक बैठी हुई थी और पूरे माहौल पर उनकी गिरफ्त थी इस अंदाज़ से जनाब वो मुसलमान मदीना वापस आए अच्छा दूसरी तरफ जो बुनियादी और अहम बात है यहूदियों से मुतालिक जो इसी गजे से मुंसलिक बात है और बुनियादी बात है उसकी तरफ़ हम आपको मुतव करना चाहते हैं और इसके बाद जब आए तो आप तर्जमा पढ़ेंगे सुनेंगे तो इनशाला हमारी ये कहीं भी बातें आपको तर्जमे में याद आती रहेंगी और आप तर्जमा समझते रहेंगे देखिए बनो नज़ीर के यहूदी बनो नज़ीर के यहूदी जो मदीना से जिलावतन किए गए थे और खैबर में आकर आबाद हो गए थे मदीने से जिला वतन किए गए थे और खैबर में आकर आबाद हो गए थे अब चूंकि बच्चों मदीने से भगाए गए थे तो दिल में गुस्सा, कीना हसद इसका होना तो लाजिम ही था इसमें कोई दो राय नहीं है तो उनका दिल गुस्से से भरा हुआ था और जब देखा कि दूर दूर तक मुसलमानों की हुक्मरानी का सिक्का बैठ गया दूर दूर तक मुसलमानों की हुक्मरानी का सिक्का बैठ गया तो अब उन्हें जलन होने लगी हसद होने लगा और ये दुनिया में होता है बच्चों जब किसी गरीब सादा दिल सादा मिजाज और सादा रहन सहन बाहत इंसान को अल्लाह की जानिब से कुछ नेकनामी मिलने लगती है तरक्की होने लगती है और उसकी शहरत का आवाज़ा बुलंद होने लगता है तो अतराफ में फैले हुए मंतशर अफराद को जो तकबर और घमंड के शिकार हैं उनको इस सादा दिल और सादा मिजाज इंसान की तरक्की से हसद और जलन का होना लाजिमी अम्र है लाजिमी अम्र है और फिर वो इस सादा दिल इंसान के तरक्की को रोकने के लिए मुख्तलफ़ की चालबाजियाँ कलाबाजियाँ और तदबीरें तदबीरें करते हैं कि किसी तरह से इसकी तरक्की रुक जाए ये बेनाम हो जाए इसका आवाज़ा बंद हो जाए और इसकी जगह पर हमारा नाम चलने लगे हमारा सिक्का चलने लगे ये कोशिश यहूदियों की उसी ज़माने से चले आ रही और आज तक है और बदक़स्मती ये है कि हम मुसलमान या और मुसलमानों के हर तबके में अब ये बीमारी आम होने लगी है कि किसी को किसी की तरक्की एक एक निगाह भाती और फिर वो उस तरक्की को काटने और रोकने और दबाने के लिए ऐसी चालबाजियाँ तदबीरियाँ और शातिरबाजियाँ कलाबाजियाँ खेलता है कि किसी तरह से करार और सुकून नहीं होता यही मामला यहूदियों ने किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात ग्रामी के साथ इस्लामी दावत के साथ इस्लामी मिशन के साथ कि किसी तरह से नउूज़ बिल्ला हुजूर पाक अलैहि वसल्लम का नाम नीचे हो जाए इस्लाम नाउज़ बिल्ला मिट जाए और फिर बस हम यहूदियों का नाम चलता रहे हमारी हर एक पर हुकूमत रहे और अंग्रेज़ का तो पैदाइशी तौर पर ये नारा है कि लड़ाओ और हुकूमत करो सबको डिवाइड करो मुंतशर करो और अपना आर्डर चलाओ हर जगह इनका यही रहा हिंदुस्तान में भी यही रहा तो गैर खैर ये बात अलग चली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहूदियों ने कैसी चाल चली कि जब मदीना में और दूर दूर तक मुसलमानों का सिक्का बैठ गया उनका नाम चलने लगा और क़ुरान करीम को अल्लाह ने कुरान करीम के मानने वालों को अल्लाह नेक नाम किया तो अब इनकी सख्त जलन शुरू हुई अब जाहिर है इन्होंने नए सिरे से साजिश रचना शुरू की और मुसलमानों पर एक ऐसी आखिरी कारबक कारी लगाने की तैयारी शुरू की जिसके नतीजे में मुसलमानों का चराग गुल हो जाए उनका नाम खत्म हो जाए उनका आवाज़ा बैठ जाए क्यों अरे बुजदिल भी थे बहुत ही ये बुजदिल भी थे बहुत चूंकि बरा यहूदी बराह रास मुसलमानों से टक्कर लेने की जरूरत नहीं करते थे और आज भी नहीं है मुसलमानों से बराह रास टक्कर लेने की जरूरत नहीं करते थे इसलिए उन्होंने ये खतरनाक पलान बनाया ये खतरनाक पलान बनाया क्या बनु नजीर के बीस सरदार अब यहां से बात समझिए आप बनु नजीर के बीस सरदार मक्का कुरैश के पास गए मक्का कुरैश के पास गए और उन्हें मुसलमानों के खिलाफ आमादाए जंग करने के लिए अपनी मदद का पूरा यकीन दिलाया अपनी मदद का पूरा यकीन दिलाया और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ाइल से मुलाकात करते रहे जिसको हम इन अपनी अगली मजलिस में आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आइंदा आयतों का तर्जमा समझने में आसानी हो और आप आसानी से पढ़ सकें आज के मजलिस में हम यही तक बात रोकते हैं السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله